हेलो बच्चों बच्चों काफी दिनों बाद मैं आपसे मिल रहा हूं। अब ठीक हूं मैं तो। स्टार्ट करते हैं फिर अपनी वापस पढ़ाई। और ठोस अवस्था लेसन के दो एपिसोड रह गए थे जिसमें हमने पढ़ने थे ठोसों के गुण। और आज हम एपिसोड नंबर 22 में ठोसों के एक गुण को पढ़ते हैं जिसका नाम है ठोसों के विद्युतीय गुण। इसके बाद एक लास्ट एपिसोड और पढ़ेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ठोसों के चुंबकीय गुण। ठीक है बच्चों, आज हम ठोसों के विद्युतीय गुण पूरे करते हैं और आज सेकंड लास्ट एपिसोड होगा ठोस अवस्था लेसन का। और इसके बाद एक और एपिसोड फिर लेसन हो जाएगा फिनिश। चलिए बात करते हैं ठोसों के विद्युतीय गुण की। विद्युतीय गुण में क्या है बच्चों कि सभी ठोसों को उनके विद्युतीय गुण कैसे हैं, कि वे चालक हैं, अचालक हैं या अर्धचालक हैं, इस चीज को ज्ञात करने के लिए सभी ठोसों की चालकता का मान ज्ञात किया गया। किसका मान ज्ञात किया गया बच्चों? चालकता का मान ज्ञात किया गया। ठीक है, चालकता का मान। और वो चालकता का मान जो है सभी ठोसों का कितने से कितना आया? मिनिमम तो आया 10^-20, 10^-20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये चालकता की इकाई है। ठीक है, कम से कम तो इतना आया और ज्यादा से ज्यादा आया क्या? 10^+7, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो चालकता का मान जो है सभी ठोसों का किस रेंज का आया बच्चों? ये आया 10^-20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10^7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स प्राप्त हुआ। ये क्या थी इसकी बच्चों? ये थी परास। ये रेंज थी किसी भी ठोस के विद्युतीय गुण की। ये रेंज है, ये परास है कि 10^-20 से 10^7 इकाई ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये कुल कितनी रेंज में कितनी कोटियां होगी? ये लगभग 27, 10^-20 से 10^7 मतलब 27 ऑर्डर होगी, 27 कोटियां होगी इसकी, कि भाई 27 प्रकार के मान हो गए। ठीक है, 10^-20 से 10^7 तक जाओगे तो कितने प्रकार के मान होंगे? लगभग कितने प्रकार के रेंज होगी, ऑर्डर होंगी? 27 कोटियां हो गई। ठीक है, अब इनके आधार पर पदार्थों को तीन वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया? तीन वर्गों में बांटा गया। पहले तो सबके क्या किया हमने? चालकता का मान ज्ञात किया, ये इस रेंज में मिला। और इस रेंज में कुल कोटियां कितनी बढ़ती हैं? 27। और इस आधार पर अब हमने पदार्थ को वर्गीकृत करना शुरू किया जो कि तीन वर्गों में बटा। कौन कौन सा? एक तो था बच्चों हमारे पास विद्युत रोधी, या जिसको हम कहते हैं अचालक। क्या कहते हैं? अचालक। इसको हम विद्युत रोधी ठोस भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता था बच्चों अर्धचालक। क्या होता था? अर्धचालक। ठीक है, और इंग्लिश में इसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। और तीसरा होता था चालक। ठीक है, जिसको हम कंडक्टर कहते हैं। तो इस तरीके से तीन प्रकार के पदार्थों को, ठोसों को तीन प्रकार के पदार्थों में बांटा गया। अब तीन प्रकार के पदार्थों में जो अचालक था इसकी चालकता का मान, अचालक पदार्थ किसे कहते हैं जिनकी चालकता का मान जो है वो किस में प्राप्त हो? 10^-20 से 10^-10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स प्राप्त हो, उन्हें हम अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। और अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ हम छोटी क्लासों में से पढ़ते आ रहे हैं कि जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, अचालक कौन से होते हैं? जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो उन्हें हम अचालक कहते हैं। अब अगर मान लो 12th में आपको परिभाषा आए कि भाई अचालक पदार्थ किसे कहते हैं, तो आप यूं नहीं कहेंगे कि जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, ये छोटी क्लास की बात है। अब आप थोड़ी सी बढ़िया बात करेंगे कि वे पदार्थ जिनमें चालकता का मान 10^-20 से 10^-10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स मतलब बहुत कम होगी चालकता। ये क्या मान है? 10^-20 बहुत कम मान है, तो इसका मतलब है ये अति न्यून मान होता है।
अर्थात इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। इतने कम मान का मतलब होता है कि इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, इन्हें हम अचालक कहते हैं। ठीक है, तो आप एक बात समझ लें कि भाई पदार्थों को हम चालकता के मान के आधार पर बांट रहे हैं। ठीक है, जिनका चालकता का मान इतना है उन्हें हम अचालक कहते हैं। अब बात आती है अर्धचालकों की। अचालकों को अपने इंसुलेटर भी कहते हैं इंग्लिश में, और अर्धचालकों को अपने सेमी कंडक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेमी कंडक्टर। ठीक है, अब सेमी कंडक्टर कौन से होते हैं? जिनमें चालकता का मान, अब अर्धचालक या सेमी कंडक्टर वो होते हैं जिनमें चालकता का मान 10^-6 से 10^4, अरे -6 से 4 लेना है अपने को। ठीक है, और मान मात्रक जो है, अब मैं इतनी बार लिख रहा हूं तो आपको याद हो जाना चाहिए, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक पदार्थ कौन से होते हैं? वे पदार्थ जिसमें चालकता का मान 10^-6 से 10^4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। कहीं आप पूरा एक बात और समझना कि ये जो चालकता वाला टॉपिक है, ये पूरा का पूरा फिजिक्स का टॉपिक है, और फिजिक्स के एक लेसन में आपको फुल डिटेल इसको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, केमिस्ट्री में हमने कुछ पॉइंट्स याद करने हैं, इसलिए जो है केमिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसे ज्यादा चक्कर में ना पड़ जाए कि सर 10^-10 था, ये 10^-6 है, बाकी के 4 कहां गए। तो ऐसे कहीं घबराने की जरूरत नहीं, आपको जो मान बताया जा रहा है वो मान याद कर लें, बस ये वाला मान याद कर लें, ये वाला मान याद कर लें। ठीक है, अभी अर्धचालक के बारे में और बात करेंगे, लेकिन इसकी चालकता का मान इतना होता है। फिर चालक पदार्थ, चालक वो होते हैं, इनको इंग्लिश में अपने कंडक्टर कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, और इसमें चालकता का मान जो होता है बच्चों, इसमें चालकता का मान होता है 10^4 से 10^7 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, और इसका मतलब है कि 10^4 से 10^7 इसका मान ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये चालक होते हैं और इसमें धारा का प्रवाह होता है। अर्धचालक की बात ये भी अपने डिटेल से सारा वो डिटेल से पढ़ेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है, आप टेंशन ना लें। ठीक है, तो आपको एक चालकता के मान के आधार पर क्या कि अचालक या विद्युत रोधी कौन से होते हैं जिसमें चालकता का मान 10^-20 से 10^-10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ये अति न्यून मान है, इसका मतलब इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालकता का मान 10^-6 से 10^4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, इसमें 0 केल्विन ताप या कम ताप पर तो धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन ताप बढ़ाने पर ये चालकों की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, इन्हें हम अर्धचालक कहते हैं, अभी डिटेल पढ़ेंगे। फिर बात आती है चालक की। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालकता का मान, वे ठोस जिसके चालकता का मान 10^4 से 10^7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, और ये इसके अंदर जो है धातु जो होते हैं, धातुएं उत्तम चालक होती हैं, सबसे बढ़िया चालक होती हैं। आपको पता है कि धातुओं में धात्विक बंध पाया जाता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का समुद्र होता है, आपने शुरू के एपिसोड्स में पढ़ा था, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का समुद्र होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं जिससे धारा का प्रवाह होता है। इसलिए धातुएं जो है वो उत्तम चालक होती हैं, सबसे बढ़िया चालक होती हैं, और इनके लिए जो चालकता का मान है, धातुओं की चालकता का मान, जो बढ़िया चालक धातुएं हैं उनकी धातु चालकता का मान 10^7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। मतलब सबसे ज्यादा धातुओं की चालकता का मान होता है, क्योंकि धातुएं जो है उत्तम चालक होती है। ठीक है बच्चों, एक बार हम इतनी सी बात नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और फिर जो है अपने चलते हैं आगे की ओर। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट कि धातुओं में विद्युत का चालन किस प्रकार से होता है। इन चीजों की सारों की और डिटेल पढ़ेंगे अपने। देखें, क्या साफ कर रहा हूं मैं इसको, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। देखें, अब मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि जो हमारे पास ठोस होते हैं, धातुएं जो होती है उसमें विद्युत का चालन किस प्रकार से होता है, इसकी बात अपने करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ गई, धातुओं में विद्युत का चालन, धातुओं में विद्युत चालन। ठीक है, धातुओं में विद्युत चालन। देखिए क्या होता है, धातुएं जो होती है, सबसे बढ़िया बात, पहला पॉइंट आप देख ले धातुओं के बारे में, धातुएं जो होती हैं, धातुएं बच्चों गलित अवस्था में हो
या ठोस अवस्था में हो, दोनों में ही विद्युत का चालन करती है, दोनों में ही विद्युत का चालन करती हैं, ठीक है, इनकी धारा का प्रवाह करती हैं, चाहे गलित अवस्था में है चाहे ठोस अवस्था में हो। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। यहां पर एक बात ये लिखने के बाद में एक क्वेश्चन याद आ गया मुझे कि उन ठोसों का नाम बताइए जो गलित अवस्था में तो विद्युत का प्रवाह करते हैं लेकिन ठोस अवस्था में नहीं करते हैं। धातुएं तो गलित और ठोस दोनों में ही विद्युत का चालन करती हैं, ठीक है, विद्युत के चालक होती हैं, लेकिन मुझे उन ठोसों का नाम चाहिए जिन्हें जो गलित अवस्था में तो विद्युत का चालन करती हैं लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करती। आंसर दो बच्चों, आने दो कमेंट में आंसर आने दो, ठीक है। लेकिन जो धातुएं हैं वो गलित और ठोस दोनों अवस्था में विद्युत का चालन करती हैं। चलिए जो विद्युत का चालन होता है ना, विद्युत मतलब धारा का प्रवाह, ठीक है। आपने दसवीं में पढ़ा था बच्चों कि आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, मतलब आवेश बहता है। ये अगर मान लो कोई पदार्थ है, इसके अंदर अगर आवेश बहेगा तो धारा बहेगी। अब आवेश मतलब प्लस आवेश माइनस आवेश जो होते हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं कि आवेश बहेगा तो धारा बहेगी। अब आवेश कैसे बह सकता है? आवेश या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाए, इलेक्ट्रॉन बहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन बहेगा तो माइनस आवेश बहेगा, और माइनस आवेश बहेगा आवेश बहेगा तो मतलब धारा बहेगी। अब दूसरी बात कि आवेश तो अगर Cl- जाए तो भी तो धारा का प्रवाह, तब भी तो आवेश बहेगा। अगर Cl- यहां से यहां तक जाए, अगर इलेक्ट्रॉन जाए तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, और अगर Cl- जाए, Cl- क्या होगा, आयन होगा, क्लोराइड आयन होगा, अगर क्लोराइड आयन जाएगा तो भी तो आवेश बहेगा, और आवेश बहेगा तो तब भी धारा बहेगी। तो इसका मतलब आवेश का प्रवाह या धारा का प्रवाह दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि धारा का प्रवाह जो है, धारा का प्रवाह जो है या विद्युत का चालन जो है दो तरीके से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉनों की सहायता से या फिर आयनों की सहायता से, ठीक है। तो जिसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की सहायता से हो उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं, ठीक है। और जिसमें धारा का प्रवाह आयनों की सहायता से होता है उन्हें हम आयनिक चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक चालक कहते हैं। जिसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की सहायता से होता है, क्योंकि आवेश बहाना है, आवेश चाहे तो आवेश को बहाना है, आवेश चाहे तो इलेक्ट्रॉन बहे तो भी आवेश बहेगा, और अगर कोई आयन बहे तो भी आवेश बहेगा, और दोनों ही स्थितियों में धारा का प्रवाह होगा और इलेक्ट्रॉनों की सहायता से होगा तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक चालक कहेंगे, और जिन ठोसों में आयनों की सहायता से धारा का प्रवाह होता है उन्हें हम आयनिक चालक कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक चालक जो होते हैं वो बच्चों सारी की सारी धातुएं जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चालक है, और दूसरी जो है आयनिक चालक कौन है? आयनिक चालक कोई भी विद्युत अपघट्य जैसे है, विद्युत अपघट्य जो है वो आयनिक चालक होते हैं। जैसे मैंने कह दिया NaCl, गलित NaCl जो है वो विद्युत अपघट्य का, या NaCl एक्वस में कह दूं, NaCl का जलीय विलयन, ठीक है, ये जो है विद्युत अपघट्य, अगर ये धारा का प्रवाह करेगा तो वो आयनों की सहायता से करेगा, इसको मैं आयनिक चालक कहूंगा। लेकिन कोई भी अगर धातु है जैसे कॉपर है, चांदी है, लोहा है, अगर ये धारा का प्रवाह करेंगी तो ये इलेक्ट्रॉनों की सहायता से करेंगी, इसलिए मैं इनको इलेक्ट्रॉनिक चालक कहूंगा, ठीक है बच्चों। तो अब एक क्वेश्चन मुझे आप बताएंगे, मैंने कहा कि सारी की सारी धातुएं जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चालक होती हैं, लेकिन यहां पर पहले तो एक क्वेश्चन मैंने आपसे यहां पूछा, क्वेश्चन नंबर एक, कि कौन से उन ठोसों का नाम बताओ जो गलित अवस्था में तो धारा का प्रवाह करते हैं लेकिन ठोस अवस्था में नहीं करते, उसका नाम बताएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे यहां पर भी बताओ, यहां पर भी एक क्वेश्चन मुझे बताओ, इसका आंसर मुझे बताओ बच्चों। क्या आपको आंसर बताना है कि किसी ए धातु का नाम बताओ, ए धातु जो इलेक्ट्रॉनिक चालक है, इलेक्ट्रॉनिक चालक ए धातु का नाम बताइए, नाम बताइए, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मुझे आप अभी बताएंगे कमेंट में कि उस ए धातु का नाम बताओ जो इलेक्ट्रॉनिक चालक है। इलेक्ट्रॉनिक चालक तो कौन होती है? धातुएं होती हैं बच्चों, लेकिन ऐसी ए धातु बताओ जो धातु नहीं है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक चालक है, तो उस पदार्थ का मेरे को नाम आप बताएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये दो बातें हो जाएंगी। अब बारी है कि
इस बात को समझाने के लिए हमने तो इलेक्ट्रॉनिक चालन धातुओं में विद्युत का चालन समझना है। धातुओं में विद्युत का संचालन जो है वो बैंड सिद्धांत से समझा जा सकता है। किससे समझा जा सकता है? बैंड सिद्धांत से समझा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले और इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे मुझे पहले, ठीक है, और फिर मैं आपको बताता हूं कि बैंड सिद्धांत जो है वो क्या है। बैंड सिद्धांत की बात हम करते हैं। चलिए बच्चों इसको साफ कर देता हूं। देखें ये विद्युत धातुओं में चालन को बैंड सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सकता है। ये बैंड सिद्धांत भी आप फिजिक्स में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है, लेकिन हम भी यहाँ काफी कुछ पढ़ेंगे। देखें क्या मैं सिखा रहा हूं आपको, बैंड सिद्धांत, बैंड सिद्धांत। देखो बैंड सिद्धांत क्या कहता है, जैसे मैंने कोई धातु ली, मैंने धातु ली लिथियम, ठीक है, लिथियम के दो परमाणु अगर मैं जोड़ूं तो लिथियम के दो परमाणु कैसे जुड़ेंगे? आपने बैंड सिद्धांत जो है वो बैंड कैसे बनते हैं वो अणु कक्षक सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सकता है। अणु कक्षक सिद्धांत के आधार पर, इंग्लिश में कहें तो MOT के आधार पर जो है वो समझाया जा सकता है। अणु कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, 11वीं में हमने सीखा था। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं कि कैसे बैंड सिद्धांत अणु कक्षक सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सकता है कि मैंने एक धातु ली लिथियम और लिथियम के दो परमाणुओं को मैंने जोड़ा, लिथियम के दो परमाणुओं को मैंने जोड़ा तो इस प्रकार से जुड़े लिथियम एक दूसरा लिथियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं लिखूं तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 1s2 2s1 और इसका भी आएगा 1s2 2s1, ठीक है। अब जो आपके पास अणु कक्षक सिद्धांत है वो कहता है कि जब एक लिथियम दूसरे लिथियम से जुड़ता है तो इसका 1s कक्षक इसके 1s कक्षक से जुड़ता है और इसका 2s कक्षक इसके 2s कक्षक से जुड़ता है, ठीक है। और ये जो 2s है, ये 2s है, ये बाह्यतम कोष है ना बच्चों, बाह्यतम कोष है, और बाह्यतम कोष को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कोष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संयोजकता कोष कहते हैं, और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं ना उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो बैंड सिद्धांत की पहली लाइन समझो। पहली लाइन क्या कहती है कि बैंड सिद्धांत कहता है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर जो है वो चालकता निर्भर करती है। किसी भी परमाणु की चालकता जो है वो प्रति परमाणु, मतलब एक परमाणु के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर जो है वो चालकता निर्भर करती है। चालकता निर्भर करती है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चालकता किस पर निर्भर करती है तो किसी धातु के प्रति परमाणु, प्रति परमाणु मतलब प्रत्येक परमाणु, एक परमाणु के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब जिन्हें हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इस पर चालकता निर्भर करती है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे थे कि ये जो बाह्यतम कोष है, ये जो 2s2s से जुड़ता है, इन पर ही जो है चालकता निर्भर करती है। तो इसको तो आप एक बार छोड़ दो, बाह्यतम कोष को बना लो। बाह्यतम कोष किस प्रकार से जुड़ते हैं, इधर देखना बच्चों कि अगर मान लो ये मेरे पास एक लिथियम है, ये दूसरा लिथियम है, इसका एक परमाणु 2s परमाणु ये रहा, इस 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा मैंने एक इलेक्ट्रॉन बना लिया। इधर इस लिथियम परमाणु के पास भी एक परमाणु कक्षक है 2s1, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये है हमारे पास 2s1 और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 2s1, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक लिथियम है, एक लिथियम है, ये लिथियम परमाणु है ना, तो इनको हम कहते हैं परमाणु कक्षक। क्या कहते हैं? परमाणु कक्षक। और ये भी क्या है बच्चों? परमाणु कक्षक, ठीक है। अब जब दो परमाणु कक्षक मिलते हैं तो अणु कक्षक सिद्धांत कहता है कि दो ही अणु कक्षकों का निर्माण होता है। दो परमाणु कक्षक मिलते हैं तो दो ही अणु कक्षकों का निर्माण होता है।
अब दो अणु कक्षकों का निर्माण कैसे होगा? एक तो अणु कक्षक होगा जिसकी ऊर्जा इन दोनों से कम होगी, जिसे हम बंदी आणविक कक्षक कहेंगे, और इस प्रकार से एक तो ये कम ऊर्जा का कक्षक बनेगा जिसको बंदी आणविक कक्षक कहेंगे, और एक जो है वो अधिक ऊर्जा का कक्षक बनेगा जिसको अपने प्रतिबंधी आणविक कक्षक कहेंगे। ठीक है, इसको अपने कहते हैं सिग्मा 2s और इसको अपने कहते हैं सिग्मा स्टार 2s। अरे दो परमाणु कक्षक मिलते हैं तो दो ही अणु कक्षकों का निर्माण होता है। ये क्या बने हैं बच्चों? अणु कक्षक। ठीक है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इस निम्न ऊर्जा स्तर में भरे जाएंगे, ऊपर वाला खाली रहेगा। ठीक है, तो ये जो है दो परमाणु कक्षक मिलकर के दो ही अणु कक्षकों का निर्माण हुआ, एक निम्न ऊर्जा का एक उच्च ऊर्जा का। ठीक है, ये तो मैंने दो लिथियम परमाणु जोड़ करके बताया, लेकिन लिथियम के एक टुकड़े में तो बहुत सारे लिथियम परमाणु होंगे। जब वो सारे लिथियम परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो ये बहुत सारे परमाणु कक्षक जो बंदी अणु कक्षक जो है बहुत सारे बनेंगे, सिग्मा 2s बहुत सारे बनेंगे और इधर सिग्मा 2 स्टार 2s भी बहुत सारे बनेंगे। तो ये सारे जुड़ करके ये सिग्मा जो अपने पास क्या है, सिग्मा 2s जो है, ऐसे बहुत सारे मिलकर के एक बहुत सारे कक्षक बन जाएंगे। इसी प्रकार से जो ऊपर वाले कक्षक हैं ये भी जब बहुत सारे लिथियम परमाणु जुड़ेंगे तो बहुत सारे कक्षक ऊपर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे? परमाणु कक्षकों के बैंड बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे बच्चों? बैंड बन जाएंगे, ये बैंड बन गए। ठीक है, इन बैंड में, इनमें तो इलेक्ट्रॉन है इसलिए मैं इनको ऐसे कर देता हूं। इसको हम कहते हैं संयोजकता बैंड। क्या कहते हैं? संयोजकता बैंड। ठीक है बच्चों, क्या हुआ कि ये जब परमाणु कक्षक मिले तो दो प्रकार के अणु कक्षक बने, एक कम ऊर्जा वाले एक उच्च ऊर्जा वाले। कम ऊर्जा वालों ने बहुत सारे जब कम ऊर्जा वाले अणु कक्षक मिले तो ये मिलकर के इन्होंने क्या बना लिया? एक बैंड बना लिया, और ऊपर वालों ने एक बैंड बना लिया। नीचे वालों में जिनमें इलेक्ट्रॉन है इसको हम कह रहे हैं संयोजकता बैंड, और ऊपर वाले जो खाली है इसको हम कह रहे हैं, ये खाली है इसको ऐसे नहीं बनाना, इसको ऐसे कर लो, यूं खाली बना लो, ये लो। ठीक है, इसको हम कहते हैं चालकता बैंड। क्या कहते हैं? चालकता बैंड, या इसको हम रिक्त बैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्त बैंड भी कहते हैं, रिक्ता बैंड भी कहते हैं, रिक्त बैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये खाली बैंड हो गया, ये संयोजकता बैंड हो गया, और इन दोनों के बीच में जो ये ऊर्जा अंतराल होता है, इस ऊर्जा अंतराल को बच्चों हम क्या कहते हैं? इसको ऊर्जा अंतराल ही कहते हैं, एनर्जी गैप ही कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का, ऊर्जा का जो अंतर होता है उसको अपने ऊर्जा अंतराल ही कहते हैं। ठीक है, अगर किसी को ये वाली बात समझ में आई, कोई कहे कि सर मैंने 11th अच्छे से पढ़ी थी, मेरे को ये बात समझ में आ गई, तो ठीक है। अगर किसी को नहीं आई तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, ये लो काटा मार दो। ठीक है, आप सीधी बात याद रख लो, क्या कि अणु कक्षक सिद्धांत जो है, ये बैंड सिद्धांत जो है वो क्या कहता है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर चालकता निर्भर करती है, और धातुओं में दो प्रकार के बैंड होते हैं, एक संयोजकता बैंड होता है और एक चालकता बैंड होता है। संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालकता बैंड रिक्त होता है, और चालकता बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में जो ऊर्जा का अंतर होता है उसको अपने ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आती है। ठीक है, अब धारा का प्रवाह कब होगा इस ठोस के अंदर? ये पूरा एक ठोस है, इसके अंदर धारा का प्रवाह कब होगा? जब यहां के इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां पर जाए और इसमें गति करे तो धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि किसी भी ठोस के अंदर दो तरीके के बैंड होते हैं, एक संयोजकता बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक खाली होता है जिसको अपने रिक्तता बैंड या फिर चालकता बैंड कहते हैं। दोनों के ऊर्जा अंतराल को ये ऊर्जा अंतराल कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन यहां से संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में जाने लग जाते हैं तब धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो ये तो बैंड बता दिए हमने कि बैंड कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें हम ठोसों की, किसकी बात करें हम? ठोसों की। तो बच्चों ठोस जो है हमने तीन प्रकार के कहे, कौन कौन से? एक तो ठोस हमने कहे चालक। कौन से ठोस कहे? चालक। चालक जो ठोस होते हैं उनमें क्या होता है कि मैंने ये बनाया, ये मेरे पास है संयोजकता बैंड, यहां पर मैंने बनाया, ये संयोजकता बैंड है और ये चालकता बैंड है। ठीक है, ये संयोजकता बैंड में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये संयोजकता बैंड है, ये चालकता बैंड है,
इन दोनों के बीच में कोई भी ऊर्जा अंतराल नहीं है। देखो दोनों को मैंने चिपका के बनाया है, इसका मतलब दोनों में कोई ऊर्जा अंतराल नहीं है। इस प्रकार के ठोसों को हम चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक कहते हैं, ठीक है। और अगर इस प्रकार से हो कि संयोजकता बैंड ये वाला है और चालकता बैंड ये वाला है, ठीक है, चालकता बैंड ये वाला है और दोनों में बहुत ज्यादा ऊर्जा अंतराल है, देखो कितना ऊर्जा अंतराल है, ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास होते हैं यहां पर, इसके अंदर ये संयोजकता बैंड है, ये चालकता बैंड है और इनको हम कहते हैं अचालक। क्या कहते हैं? अचालक या विद्युत रोधी कहते हैं, ठीक है। इनमें ये ऊर्जा अंतराल बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है, इनको हम अचालक कहते हैं। और जिनमें ऊर्जा अंतराल इस प्रकार से होता है कि ये ऊर्जा, ये हमारे पास हो गया, ये हो गया संयोजकता बैंड और ये हो गया चालकता बैंड, ठीक है, ये चालकता बैंड, ठीक है, तो ये संयोजकता बैंड है और ये चालकता बैंड है और इनमें थोड़ा सा ऊर्जा अंतराल है, इनको हम कहते हैं अर्धचालक। क्या कहते हैं बच्चों? अर्धचालक, अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास अर्धचालक, ठीक है। तो अब आपको क्या कहना है, बैंड सिद्धांत क्या कहेगा? बैंड सिद्धांत कहेगा कि किसी भी ठोस में दो प्रकार के बैंड होते हैं, एक संयोजकता बैंड, एक चालकता बैंड, दोनों के बीच का ऊर्जा अंतर को हम ऊर्जा अंतराल कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में जाता है तो धारा का प्रवाह होता है। जो ठोस होते हैं इनमें संयोजकता बैंड और चालकता बैंड में ऊर्जा अंतराल नहीं होता। अब यहां पर आप लाइन लिखोगे नीचे, चालक किसे कहते हैं? कि जिसमें संयोजकता बैंड और चालकता बैंड में ऊर्जा अंतराल नहीं होता और सामान्य ताप पर ही, कमरे के ताप पर ही, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो चालकता बैंड में जाते रहते हैं, जिससे ये धारा का प्रवाह करते रहते हैं, ठीक है, इन्हें हम चालक कहते हैं, क्लियर। अब जो अचालक होते हैं, अचालक में संयोजकता बैंड और चालकता बैंड में बहुत अधिक ऊर्जा अंतराल होते हैं और ये किसी भी ताप पर, कमरे के ताप पर या उच्च ताप पर, ये इलेक्ट्रॉन इस संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में नहीं जा पाते। और नहीं जा पाते तो मैंने कहा था कि धारा प्रवाह तब होता है जब इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा पाते तो धारा का प्रवाह भी नहीं होता, ठीक है बच्चों, तो उसे हम कहते हैं अचालक। अब बीच में आ गया अर्धचालक। अर्धचालक सामान्यतः थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन तो यहां पर जा सकते हैं लेकिन इतने नहीं जाते कि बहुत ज्यादा ये धारा का प्रवाह कर पाए। लेकिन अगर ताप बढ़ाया जाए तो यहां से यहां जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है जिससे ये चालकों की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। पहली लाइन तो अर्धचालकों के बारे में क्या कहेंगे कि वे पदार्थ जिनमें संयोजकता बैंड और चालकता बैंड का ऊर्जा अंतराल चालकों से तो ज्यादा होता है लेकिन अचालकों से कम होता है उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। ये शून्य के ताप पर तो ये धारा का प्रवाह नहीं करते लेकिन ताप बढ़ाने पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में जाने लग जाते हैं और क्या करने लग जाते हैं, धारा का प्रवाह करने लग जाते हैं, इन्हें हम अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी बच्चों अर्धचालकों की। चलिए अब एक प्रश्न है वो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, ठीक है। ये जो मैंने लाइनें बोली हैं ये लाइनें आप लिख लेंगे बच्चों। चलिए अब मैं ना आपको कुछ बातें बताता हूं, एक प्रश्न करवा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो फिर एक क्वेश्चन बोलता हूं मैं। देखो बच्चों क्या है क्वेश्चन, ये है कि ताप बढ़ाने पर चालकों की चालकता घटती है जबकि अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है क्यों? ये एक प्रश्न जो है वो हमने सॉल्व करना है। देखो क्या कहेंगे कि हम कहेंगे, ये कह रहा है कि ताप अगर आप बढ़ाओगे ना, ताप बढ़ाने से चालकों की चालकता तो क्या हो जाती है, घट जाती है, लेकिन अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है क्यों? तो आप कहेंगे चालकों में संयोजकता बैंड और चालकता बैंड में
ऊर्जा अंतराल नहीं होता। कमरे के ताप पर क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में जाते रहते हैं और धारा का प्रवाह करते हैं। लेकिन यदि ताप बढ़ाया जाए तो संयोजक चालकता बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर आप ताप बढ़ाते हो, ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है, क्या कहोगे, क्या हो जाता है बच्चों, कि चालकता बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। चालकता बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जिससे क्या हो जाता है, कंपन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, कंपन बढ़ जाता है, और कंपन बढ़ने से प्रतिरोध उत्पन्न होता है, और प्रतिरोध उत्पन्न होने से चालकता जो है वो कम हो जाती है। प्रतिरोध उत्पन्न होने से चालकता जो है वो क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। ठीक है, तो आपने क्या कहना है कि चालकों में संयोजकता बैंड और चालकता बैंड में ऊर्जा अंतराल नहीं होता। कमरे के ताप पर संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में जाते रहते हैं और धारा का प्रवाह करते हैं। लेकिन ताप बढ़ाने पर चालकता बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे कंपन बढ़ जाता है, और कंपन बढ़ जाने से प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, प्रतिरोध उत्पन्न हो जाने से चालकता कम हो जाती है। ठीक है, तो ये तो बात होगी चालकता घटती क्यों है, ये बात होगी। अब दूसरी बात क्या लिखोगे कि अर्धचालकों में सामान्य ताप पर चालक संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, लेकिन ताप बढ़ाने से क्या होता है कि संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने लग जाते हैं, जिससे इनकी चालकता बढ़ती है। ठीक है, तो इसकी बात तो वही है जो हमने पहले बोली है कि इसमें ऊर्जा अंतराल जो है थोड़ा सा होता है, जिसकी वजह से कमरे के ताप पर तो इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में नहीं जाते, लेकिन ताप बढ़ाने पर ये इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने लग जाते हैं, जिससे चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको आंसर बोल दिया। आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है लिख करके मुझे आप भेजना, व्हाट्सएप करना, ताकि मेरे को पता लगे कि भाई कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर लिख लिया। ठीक है, चलिए बच्चों, आप ये गैप भी बना करके दिखाएं ताकि आपका आंसर और सुंदर लगे। ठीक है बच्चों, चलिए और भी ना, एक आपके पास एक क्वेश्चन नंबर है, अभ्यास प्रश्न 1.22, अभ्यास प्रश्न, यहां पर एक क्वेश्चन और है, अभ्यास प्रश्न, अभ्यास प्रश्न 1.22 और है, इसको और देखना। इसके अंदर वो कह रहा है कि एक तो चालकों और अचालकों में अंतर बताओ बैंड सिद्धांत के आधार पर, चालकों और अचालकों में अंतर बताओ। तो आप क्या कहोगे, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक वो होते हैं जिनमें संयोजकता बैंड और चालकता बैंड में ऊर्जा अंतराल नहीं होता, कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं, धारा का प्रवाह करते हैं, और अचालक वो होते हैं जिसमें संयोजकता बैंड चालकता बैंड में बहुत ज्यादा ऊर्जा अंतराल होता है, और किसी भी ताप पर इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में नहीं जाते, जिससे ये धारा का प्रवाह नहीं करते। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्न एक तो पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट है कि चालकों और अर्धचालकों में अंतर लिखो, तो आप ये इसका अंतर भी आप लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अभ्यास प्रश्न जो है 1.22 जो है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको मैंने जो बुक भेजी है उस बुक के अंदर वो क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे। चलिए अब आ जाओ आप नेक्स्ट बच्चों कि अर्धचालकों में विद्युत का चालन कैसे होता है, अर्धचालकों में विद्युत का चालन, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे अपने। चलो मैंने इस टॉपिक को खत्म करा देना है आज। ठीक है, सारी बातें बता देनी है बच्चों। चलिए, अर्ध चालकों में, ये अर्ध कभी ऐसे भी लिखा होता है और अर्ध ऐसे भी लिखा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराना नहीं। अर्ध चालकों में विद्युत का चालन, अर्ध चालकों में विद्युत का चालन कैसे होता है, तो अर्ध चालकों में विद्युत का चालन समझने के लिए आपको कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है कि आप कहते हो कि इसके संयोजकता बैंड और चालकता बैंड में ऊर्जा अंतराल जो है वो चालकों से तो ज्यादा होता है लेकिन अचालकों से कम होता है। ठीक है, सामान्य ताप पर तो यहां से इलेक्ट्रॉन, मतलब संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जा पाते, इससे धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन ताप बढ़ाने पर क्या करो, अगर आप ताप बढ़ाओ, ताप बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में जाने के लग जाते हैं, जिससे ये धारा का प्रवाह करने लग जाते हैं, धारा का प्रवाह करते हैं, और इन्हीं को हम अर्धचालक कहते हैं। इस प्रकार से इसमें धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, ये बात तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, इंटरेस्टिंग मजेदार बातें देखो क्या है।
कि ऐसा जो गुण है ना वो किन में पाया जाता है। ऐसा गुण पाया जाता है सिलिकन, सिलिकॉन व जर्मेनियम, जर्मेनियम सिलिकन व जर्मेनियम में इस प्रकार का गुण पाया जाता है। इन्हें हम नैज अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? नैज अर्धचालक कहते हैं, नैज अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं नैज अर्धचालक। ये लो बच्चों, आपके पास एक और प्रश्न आ गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि नैज अर्धचालक किसे कहते हैं, तो सिलिकन और जर्मेनियम है जो कमरे के ताप पर तो धारा का प्रवाह नहीं करते, लेकिन जैसे इनका ताप बढ़ाया जाता है, ताप बढ़ाने पर जो है ये इसके इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में जाने लग जाते हैं, जिससे ये धारा का प्रवाह करने लग जाते हैं। इन्हें नैज अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, एक बात होगी, लेकिन इसका उपयोग जो है वो ज्यादा नहीं हो पाता। ठीक है, इसका उपयोग ज्यादा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसकी चालकता फिर भी कमी रहती है, तो हमें इसकी चालकता थोड़ी बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी चालकता नैज का मतलब है शुद्ध। नैज का मतलब क्या मानना है आपको? शुद्ध, कि शुद्ध अवस्था में, शुद्ध सिलिकॉन, शुद्ध जर्मेनियम जो है वो जब अर्धचालक का काम करते हैं तो इन्हें हम नैज अर्धचालक कहते हैं। लेकिन इसकी चालकता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम? अगला पॉइंट समझे कि हम क्या करते हैं, चालकता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर अशुद्धि मिलाते हैं। क्या करते हैं? अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है, तो अब जो नैज अर्धचालक है इनकी चालकता बढ़ाने के लिए इसमें अशुद्धि मिलाते हैं। इस प्रक्रिया को या इस विधि को क्या कहते हैं? अपमिश्रण कहते हैं, अपमिश्रण कहते हैं। अशुद्धि मिलाने को क्या कहा जाता है? अपमिश्रण। ठीक है, अपमिश्रण कर क्यों रहे हैं? कि ताकि उसकी चालकता बढ़ जाए। ठीक है, तो आपको एक अपमिश्रण की परिभाषा और मिल गई कि नैज अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है, इस विधि को अपमिश्रण कहा जाता है। और नैज अर्धचालक कौन कौन से हैं? सिलिकन और जर्मेनियम, सिलिकन और जर्मेनियम जो है नैज अर्धचालक है। चलिए, अब जो अशुद्धि मिलाते हैं इसकी कहानी इंटरेस्टिंग है। जो अशुद्धि मिलाते हैं वो अशुद्धि किसकी मिलाएंगे? अशुद्धि हम दो प्रकार के पदार्थों की मिला सकते हैं। ठीक है, पहले आप एक बार दोबारा बात करो, नैज अर्धचालक कौन कौन से हैं बच्चों? सिलिकन है या जर्मेनियम है, और ये कौन से वर्ग के तत्व हैं? वर्ग 14 के तत्व हैं। ये कौन से वर्ग के तत्व हैं? वर्ग 14 के तत्व हैं। और इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है इनके बाह्यतम कोश में, और ये है हमारे पास नैज अर्धचालक। ये क्या है? ये इतना ये काम किसका है? ये है नैज अर्धचालकों का, नैज अर्धचालक। चाहे तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि नैज अर्धचालक किसे कहते हैं, तो आप कहो कि सिलिकन और जर्मेनियम को नैज अर्धचालक कहते हैं, इनके बाह्यतम कोश में 14 वर्ग के तत्व हैं, इनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कमरे के ताप पर जो है इनमें संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जा पाते, लेकिन ताप बढ़ाने पर जो है इलेक्ट्रॉन जाने लग जाते हैं, जिससे ये धारा का प्रवाह करने लग जाते हैं, ये नैज अर्धचालक है। अब इसमें दो प्रकार की अशुद्धि मिलाई जा सकती है। अशुद्धि जो है वो दो प्रकार की मिलाई जा सकती है। ये तो नैज अर्धचालक हो गए, आपको अशुद्धि मिलानी थी। अशुद्धि या तो आप इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिला सकते हो, या फिर आप इलेक्ट्रॉन आधिक्य वाली अशुद्धि मिला सकते हो। अब इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मतलब, न्यून का मतलब कम, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे कम इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि, कम इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि का मतलब है वर्ग 13 की अशुद्धि आप मिला सकते हो। वर्ग 13 के तत्वों की अशुद्धि जो है, तत्वों की अशुद्धि जो है मिला सकते हो, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो नैज अर्धचालकों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4, और इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि ये हो गई। ठीक है बच्चों, अब बात है इलेक्ट्रॉन आधिक्य वाली, तो आधिक्य वाली में आप क्या करो, ये वर्ग 14 के तत्व है तो इसमें वर्ग 15 की अशुद्धि मिला दो, वर्ग 15 के तत्वों की अशुद्धि मिला दो। अब वर्ग 15 के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे,
पांच चार से क्या हो गए ज्यादा, ठीक है, ये ज्यादा हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन अधिक की अशुद्धि और ये कम तो इलेक्ट्रॉन न्यून की अशुद्धि। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है कि जो नैज अर्धचालकों में हम दो प्रकार के अशुद्धियां मिला करके इसकी चालकता बढ़ा सकते हैं, क्या होगा कि या तो जो है कम इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि, क्योंकि इसके बाद तुमको उसमें चार इलेक्ट्रॉन है तो चार से कम तीन, तो तीन वाली अशुद्धि मतलब वर्ग 13 के तत्व मिला करके मिलाई जा सकती है, या इलेक्ट्रॉन अधिक वाली अशुद्धि वो वर्ग 15 के तत्व मिला करके मिलाई जा सकती है, क्योंकि इनके बाद तुमको उसमें पांच इलेक्ट्रॉन है। जब इनमें ये मिलाया जाएगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का अंतर है, और ये जब मिलाया जाएगा तो भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न होगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक दोष किस प्रकार से उत्पन्न होगा उसकी बात अपने करते हैं, पहले इसका भी ले यहां पर स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लो बच्चों। चलिए इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब अपने इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिलाते हैं, इलेक्ट्रॉन अधिक वाली अशुद्धि मिलाते हैं, तब क्या होता है उस पूरी कहानी को समझते हैं, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न होता है उसकी बात अपने करते हैं। चलिए अब नैज अर्धचालकों में दो प्रकार की अशुद्धि पढ़ रहे हैं अपने। चलिए पहला है, पहला इलेक्ट्रॉन आधिक्य की अशुद्धि मिलाने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आधिक्य की अशुद्धि मिलाने। देखो बच्चों क्या है कि नैज अर्धचालक सिलिकन है, वर्ग 14 के तत्व नैज अर्धचालक होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये एक तत्व है, मान लो ये एक सिलिकन है, और इस सिलिकन के बाह्यतम कोष में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि वर्ग 14 का तत्व है, इसके बाह्यतम कोष में चार इलेक्ट्रॉन है, और ये अपने पड़ोसी चार सिलिकन आयनों से जुड़ा होता है, इसके चारों तरफ चार सिलिकन परमाणु होते हैं, और ये पड़ोसी सिलिकन परमाणुओं के साथ में चार सहसंयोजक बंध बनाए रहता है, यहां पर सहसंयोजक बंध, यहां पर सहसंयोजक बंध, यहां पर चार सहसंयोजक बंध द्वारा ये जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार की इसकी स्थिति होती है। जब हम ये तो किसकी स्थिति है, ये तो है नैज अर्ध चालक है। अब इलेक्ट्रॉन आधिक्य वाली अशुद्धि मिलाओ, इलेक्ट्रॉन आधिक्य वाली अशुद्धि का मतलब है वर्ग 15 के तत्व की अशुद्धि मिलाओ, ठीक है, अब वर्ग 15 के तत्व की अशुद्धि का मतलब मैं फास्फोरस मिला दूं, वर्ग 15 में फास्फोरस आता है तो फास्फोरस की अशुद्धि मिला देता हूं, इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बाह्यतम कोष में पांच इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पांच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि जो मैंने ये ग्रीन कलर का बनाया है ना, इसकी जगह आपने क्या कर देना है कि फास्फोरस की अशुद्धि मिला देनी है, और फास्फोरस P आ गया, और वर्ग 15 का है तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, पांच, कितने हैं, पांच, ठीक है। अब क्या करेगा कि ये फास्फोरस, इस सिलिकन की जगह फास्फोरस आया है, गौर करना, अब ये चारों तरफ सिलिकन से घिरा हुआ है, तो चारों तरफ से जो सिलिकन से घिरा हुआ है, इधर सिलिकन से घिरा हुआ था, इससे बंद बना लिया, इसने सहसंयोजक बंद बना लिया, इसके साथ भी इसने बंद बना लिया, और इधर वाले सिलिकन के साथ भी इसने बंद बना लिया, और इधर वाले सिलिकन के साथ में भी इसने बंद बना लिया। लेकिन इसके पास क्या रह जाता है, एक ये वाला, एक ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, या ये एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रह जाता है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रह जाता है, ठीक है। अब इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो है इस नैज अर्धचालक की चालकता जो है वो बढ़ जाती है, इसकी चालकता जो है वो बढ़ जाती है, और इस प्रकार जो नया अर्धचालक बढ़ता है, अब ये जो अर्धचालक बना है, इस नए प्रकार के अर्धचालक को हम एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एन प्रकार का अर्धचालक हो जाता है। दिखाई दे रहा है आपको, कुछ भी ना याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपके सामने है बिल्कुल, मैं आपको प्यार से पढ़ा रहा हूं, कहीं भी दिक्कत नहीं है। देखो बिल्कुल एक बढ़िया कहानी चल रही है, एक बढ़िया फिल्म चल रही है आपकी, क्या
कि नया जाल चालक आपको दिखाई दे रहा था कि एक सिलिकन सिलिकन के बैटन को उसमें चार इलेक्ट्रॉन चार सिलिकन से सहसूचक बंध बढ़ रखे थे। जैसे ही वर्ग 15 की अशुद्धि मिलाई पी वर्ग 15 मतलब फास्फोरस की अशुद्धि मिला दी जिसके बैटन को उसमें पांच इलेक्ट्रॉन है, पांच इलेक्ट्रॉन ने चार नहीं तो बंध बना लिया, एक अतिरिक्त रह गया। इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता बढ़ी है, तो इस प्रकार के अर्धचालक को हम एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखें, दूसरा हम मिला बना रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिलाई। इलेक्ट्रॉन अधिक की अशुद्धि मतलब वर्ग 15 की अशुद्धि, वर्ग 15 की अशुद्धि, वर्ग 15 की अशुद्धि। ठीक है, अब देखो आप दूसरा आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि आपने मिलाई, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिलाई। इलेक्ट्रॉन न्यून मतलब वर्ग 13 की अशुद्धि, वर्ग 13 की अशुद्धि मिलानी है आपने। ठीक है, तो अब करो क्या करेंगे, पहले तो यही बनाओ। ये बनाया मैंने, इधर देखो क्या किया कि मेरे पास ये था सिलिकन, नैज अर्धचालक बनाओ, फिर नैज में ही तो हम अशुद्धि मिलाएंगे ना। तो ये था मेरे पास सिलिकन, इसके बाह्यतम कोष में यूं चार इलेक्ट्रॉन और ये पड़ोसी चार सिलिकन परमाणुओं के साथ में सहसंयोजक बंध बना करके इस प्रकार से ये पड़ा था ऐसे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब हमने इसकी चालक, इस नैज अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए इसमें वर्ग 13 के, वर्ग 13 के तत्वों की अशुद्धि मिलाई, वर्ग 13 के तत्वों की अशुद्धि मिलाई। अब वर्ग 13 के तत्वों में कौन है, एल्यूमिनियम, तो मैंने एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाई। और इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बाह्यतम इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन जो कितने हैं बच्चों, तीन इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी अशुद्धि मिलाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, अब स्थिति यह आ जाएगी कि अब सिलिकन की जगह यही बीच में देखो, इसकी जगह ही हमने फास्फोरस बनाया था, इसी की जगह ही मैं अब क्या बना रहा हूं, एल्यूमिनियम बना रहा हूं। एल्यूमिनियम अब ये आ गया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तीन इलेक्ट्रॉन है, ये लो ये तीन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसके चारों तरफ सिलिकन कितने हैं, सिलिकन तो चार ही पड़े हैं, चार पड़े हैं, तो ये लो एक तो यहां बंद बन गया, एक यहां पर बंद बन गया और एक यहां पर बंद बन गया। लेकिन यहां पर जो सिलिकन आया उसके पास तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन एल्यूमिनियम के पास यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये खाली जगह बच गई। ठीक है, यहां पर बंद नहीं बनेगा, तो ये जो खाली जगह बच गई, इस खाली जगह को मैं क्या कह रहा हूं, इस खाली जगह को जहां पर बंद बनना चाहिए था, देखो जब ये नैज था तब यहां पर बंद था ना, लेकिन जब इसके अंदर अशुद्धि मिला दी तब यहां पर बंद नहीं है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की जगह खाली जगह बची है इसको मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक रिक्ति का, या इलेक्ट्रॉन रिक्ति कहता हूं मैं इसको। ठीक है, या मैं इसको इलेक्ट्रॉन छिद्र भी कहता हूं, क्या कहता हूं, इस खाली जगह को इलेक्ट्रॉन रिक्ति या फिर इलेक्ट्रॉन छिद्र कहता हूं, इंग्लिश में इसको होल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, होल, छेद। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक छेद बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक छिद्र बन जाता है। अब इसमें इस इलेक्ट्रॉनिक जो छेद है इसकी वजह से चालकता बढ़ती है। ठीक है, जब 15 की अशुद्धि मिलाई जाती है तो इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता बढ़ती है। अब चालकता किसके कारण बढ़ेगी, इस होल के कारण, इस रिक्तिका के कारण चालकता बढ़ती है, इसके कारण चालकता बढ़ जाती है। और इसके कारण जब चालकता बढ़ जाती है तो इसे हम पी प्रकार का अर्धचालक कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, पी प्रकार का अर्धचालक कहेंगे। ठीक है, अगर तो इलेक्ट्रॉन की, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता बढ़ती है तो इसको एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, और जब इस रिक्ति के कारण चालकता बढ़ती है तो इसको पी प्रकार का अर्धचालक हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गई हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि वाली। ठीक है बच्चों, इसका एक बढ़िया सा लो स्क्रीनशॉट और फिर मैं इसके बारे में भी दो चार बातें और बताता हूं। चलिए देखो, आपके पास एक प्रश्न है, एक तो पाठ्यनिहित प्रश्न 1.23 है, पाठ्यनिहित प्रश्न 1.23, पाठ्यनिहित प्रश्न 1.23। ठीक है, ये ऐसे लिख करके मुझे आंसर दोगे, क्वेश्चन क्या है आपको उत्तर देना है, क्वेश्चन ये है
कि वर्ग 14 के तत्वों को n प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए, वर्ग 14 का तत्व है उसको n प्रकार के अर्धचालक में बदलना है, n प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए उसमें कौन से वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाएंगे। वर्ग 14 के तत्वों में, वर्ग 14 के तत्वों को n प्रकार के अर्धचालक में बदलने के लिए उसमें किस वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर है 1.23। इसका उत्तर मुझे दे, ठीक है। और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभ्यास प्रश्न। ये सारे के सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं बच्चों, ठीक है। ये जो अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है 1.20। इसका क्वेश्चन क्या है, ये कहता है कि नंबर एक, अगर जर्मेनियम में इंडियम, ठीक है, इंडियम, अब इंडियम कौन से वर्ग का है वो आपको देखना पड़ेगा, जर्मेनियम में अगर आई एन की अशुद्धि मिलाओगे तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा, एन प्रकार का या पी प्रकार का, ठीक है, इसका उत्तर आपको देना है। और एक प्रश्न है कि अगर सिलिकॉन में, सिलिकॉन में बोरोन बी, बोरोन की अशुद्धि मिलाई जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनता है, ठीक है। तो इनके उत्तर मेरे को देने हैं। पाठ्यनीति प्रश्न 1.23 तो कहता है कि वर्ग 14 के तत्वों को अगर n प्रकार के अर्धचालक में बदलना हो तो किस वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाएगी, ठीक है, इसका आंसर देना है। और एक अभ्यास प्रश्न 1.20 का आंसर क्वेश्चन है कि इनमें अगर जर्मेनियम में इंडियम की अशुद्धि मिलाओ तो कौन सा प्रकार का अर्धचालक बनेगा, और सिलिकॉन में बोरोन की अशुद्धि मिलाओ तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा, ठीक है। तो ये इन क्वेश्चनों के उत्तर मुझे आपको, आपने मुझे देने हैं, ठीक है, कमेंट में। और ये जो होल जो होता है ना रिक्ति का, ये धनावेश की तरह व्यवहार करता है, किसकी तरह व्यवहार करता है, धनावेश की तरह व्यवहार करता है। जब इसको विद्युत क्षेत्र में जोड़ा जाता है तो ये जो छिद्र जो है ना, ये किसकी तरफ गति करता है, माइनस प्लेट की तरफ गति करता है, इसलिए ये धनावेशित होता है ये छिद्र, ठीक है, इसलिए इनको पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं और ये एन प्रकार के अर्धचालक हैं। आप समझ गए, एन प्रकार के अर्धचालक तब बनते हैं जब नए अर्धचालकों में वर्ग 15 की अशुद्धि मिलाई जाती है, पी प्रकार के अर्धचालक तब बनते हैं जब नए अर्धचालकों में वर्ग 13 के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है, ठीक है। तो अगर आप वर्ग 13 के तत्वों को जानते हैं, वर्ग 13 के तत्व कौन कौन से हैं, वर्ग 13 के तत्व है बोरोन, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। और वर्ग 15 के तत्व कौन से हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिड़े, ठीक है। तो ये तत्व हैं। अब आप समझ जाए कि भाई 14 में आप किसकी अशुद्धि मिला रहे हैं जिससे कौन से प्रकार का अर्धचालक बनेगा, 13 से पी प्रकार का, 15 से एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, तो अब आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर आप बड़े आसानी से दे सकते हैं। चलिए अब आ जाओ आप कि इन अर्धचालकों के उपयोग क्या है, ठीक है बच्चों, कि ये जो अर्धचालक तो आपने पढ़ लिए, अब इन अर्धचालकों के उपयोग क्या है, ठीक है। तो मैं साफ कर रहा हूं इसको, देखें स्क्रीनशॉट ले लेंगे बढ़िया सा इसका। चलिए देखो बच्चों, इसके उपयोग के अंदर आप पूरी की पूरी फिजिक्स है, ठीक है, आपको यहां पर केमिस्ट्री में सिर्फ 2-3 लाइनें ही याद रखनी है। जैसे उपयोग में एक तो अर्धचालकों से ना हम डायोड बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों, डायोड बनाते हैं, ठीक है। डायोड कैसे मिल बनाते हैं, एन व पी प्रकार के अर्धचालकों को जोड़ करके, पी एन व पी प्रकार के अर्धचालकों को संयोजित करके जो है डायोड का निर्माण करते हैं। डायोड छोटे छोटे डायोड होते हैं, रेडियो वगैरह में लगे होते हैं, ठीक है, तो वो आपको फिजिक्स में पढ़नी है डिटेल। तो डायोड जो है एन और पी प्रकार के अर्धचालकों को मिला करके बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या काम आते हैं, फुल डिटेल होती है फिजिक्स के अंदर, आप पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है, जैसे सोलर सेल जो होता है, सोलर सेल जो क्या कहते हैं अपने इसको, सोलर प्लेट जो होती है,
इसके अंदर जो डायोड लगे होते हैं उन डायोडों को फोटो डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके अंदर भी डायोड लगे होते हैं, उनको हम कहते हैं फोटो डायोड। क्या कहते हैं बच्चों? फोटो डायोड। और ये फोटो डायोड क्या करता है? प्रकाश को विद्युत में बदलने में काम में आता है। प्रकाश को विद्युत में बदलने में काम में आता है। जो सोलर सेल होता है, सोलर सेल जो होता है उसके अंदर ये लगे होते हैं। इसके अलावा ट्रांजिस्टर के अंदर, ट्रांजिस्टर जो होता है, ट्रांजिस्टर भी आपने सुने होंगे, रेडियो में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, बहुत सारे डायोड मिलकर के एक ट्रांजिस्टर बनाते हैं, वो आप देखेंगे फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, ट्रांजिस्टर के अंदर दो प्रकार के अर्धचालकों के बीच में अलग प्रकार का अर्धचालक मिला दिया जाता है। जैसे N और N के बीच में P प्रकार का अर्धचालक मिला दो, तो ये इस प्रकार से जोड़ दो, N P N, N प्रकार का अर्धचालक फिर P फिर N, ये इस प्रकार का अर्धचालक मिला करके, या फिर पी एन पी इस प्रकार का मिला करके ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर एनपीएन वाले होते हैं या पीएनपी वाले होते हैं, ठीक है। और इनका उपयोग आपको पता ही है कि जो ध्वनि संकेत जो है उनको समझने में किया जाता है, ध्वनि संकेतों को समझने में, उनको प्रवर्धित करने में, उनको बढ़ाने में, इनमें इनका उपयोग होता है ट्रांजिस्टर का, ठीक है। तो ये बात भी हो जाएगी। चलिए अब इसके बाद अपने चलते हैं, एक बहुत ही बढ़िया बात समझते हैं, ठीक है। ये तो इनके उपयोग हो ही जाएंगे, अब एक बहुत ही शानदार बात समझते हैं बच्चों। इसको मैं साफ कर रहा हूं, देखो क्या, ये एक स्क्रीनशॉट ले लो बस, कहीं भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत अपने को नहीं। चलिए, ये डायोड कैसे बनते हैं, ट्रांजिस्टर कैसे बनते हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये सारा का सारा डिटेल जो है आपको फिजिक्स में मिल जाएगा। चलिए अब अपने बात करते हैं बच्चों, क्या कि जब ये पता लग गया कि नैज अर्धचालकों के बाह्यतम कोश में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अर्धचालकों की तरह व्यवहार करते हैं, तो साइंटिस्ट ये सोचने लगे कि यार अगर हम कुछ तत्वों का मिश्रण मिला दें, दो तत्व मिला दें जिनके बाह्यतम कोश में औसत चार इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो वो भी अर्धचालकों की तरह व्यवहार कर सकते हैं क्या? तो देखा, हाँ वो कर सकते हैं और बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो अब ऐसे कौन से तत्व होंगे जिनमें औसत बाह्यतम कोश में चार इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो दो तत्वों का मिश्रण जिनके बाह्यतम कोश में औसत चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे भी अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं, वे भी अर्धचालकों की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। ये भी अर्धचालकों की तरह व्यवहार करते हैं। अब देखो भाई, ऐसे कौन से होंगे? देखें, अगर मैं जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कि वर्ग 13 में वर्ग 15 के तत्व मिला दें, 15 के तत्व मिलाने पर, ठीक है। अब 13 के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 3, ठीक है, और 15 के बाह्यतम कोश में 5, दोनों को जोड़ो कितने आए 8, औसत निकालो कितना आया 4। तो इसका मतलब वर्ग 13 और 15 में मिलाओ तो औसत 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसका मतलब है कि इनसे भी अर्धचालक बनाए जा सकते हैं। अब वर्ग 13 के कौन कौन से तत्व? आपने एल्यूमिनियम से शुरू करना है, वर्ग 13 में आपके पास देखो एल्यूमिनियम, ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है, ये हो गया। और इसके साथ आप कौन सा मिला रहे हो? वर्ग 15। तो वर्ग 15 में कौन कौन से तत्व? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिड़े, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके इधर देखना बच्चों, अब किस प्रकार के अर्धचालक बन गए? देखो, ये तो बन गया ALP प्रकार का अर्धचालक बन गया, ये बन गया GAAS और ये बन गया INSB प्रकार का अर्धचालक बन गया। इसमें सबसे ज्यादा यूजफुल जो है गैलियम आर्सेनाइड है, क्या है इसका नाम? है गैलियम आर्सेनाइड, ये पहले खोजा गया, इसका खूब यूज है और इसी की वजह से ये एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया
अर्धचालकों की खोज के अंदर क्या कहा गया कि भाई अगर नए अर्धचालकों के बाह्यतम कोष में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अर्धचालकों की तरह व्यवहार करते हैं। तो इन्होंने क्या सोचा कि अगर दो तत्वों का मिश्रण बनाते हैं और उसके अगर औसत बाह्यतम कोष में चार इलेक्ट्रॉन आए तो क्या वो अर्धचालकों की तरह व्यवहार करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं भाई। देखो वर्ग 13 में 15 मिलाया, 13 में 3, 15 में 5, औसत आया 8, जोड़ आया 8, औसत निकाला तो कितने आए 4, औसतन 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे वर्ग 13 की ये तत्व 15 की ये तत्व, इसको दोनों को जोड़ करके ये अर्धचालक बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, जो मैं लिख रहा हूं ना बच्चों वही बनाने हैं, ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी बनाते रहो। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिकली भी होता है कि जो बना है वो जो पॉसिबल है वही लिखा गया है यहाँ पर। इसी तरीके से औसत तो तब भी चार हो सकता है जब वर्ग 12 और वर्ग 16 के तत्वों को मिलाया जाए। तो देखो वर्ग 12 के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और 16 के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, जोड़ कितना आया 8 इलेक्ट्रॉन, औसत निकालने के लिए 2 से भाग दिया कितने आगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इन दोनों को मिलाकर के भी आप क्या बना सकते हैं, अर्धचालक बना सकते हैं। अब 12 में कौन कौन से होते हैं तत्व? 12 में होता है जिंक, CDHG, ठीक है, कैडमियम मर्करी, और इसमें 16 में क्या होता है सल्फर, सेलेनियम और उससे पीपो, ये इनको ही जोड़ना है। आप अपनी मर्जी से नहीं जोड़ सकते। आप सोचो भाई 12 में 16 में तो और भी तत्व है तो किसी और को भी जोड़ के बना लो, नहीं ऐसा नहीं है। आपको एग्जांपल जो मैं लिख रहा हूं वही ध्यान रखने हैं, ऐसा नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं बनाने हैं, ये प्रैक्टिकल करके बनाए गए हैं। ठीक है, तो इनसे तो क्या बन जाएगा ZnS बन जाएगा, इससे CDSE बन जाएगा, इससे HGTE बन जाएगा। एक ध्यान रखना कि CDSE भी बनता है और CDSB बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी अर्धचालक बनाए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक टॉपिक, बढ़िया टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो 13 और 15 को मिलाकर के भी अर्धचालक बनाए जा सकते हैं और 12 और 16 को मिलाकर के भी अर्धचालक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना कि ये कोई 13 और 15 को मिलाकर के कोई ये एन प्रकार या पी प्रकार के नहीं है, ये एन प्रकार या पी प्रकार नहीं है, ये विशेष प्रकार के अर्धचालक बनाए गए, इनको एन प्रकार पी प्रकार में मत जोड़ना। वो तो 14 में 13 मिलाए तब पी प्रकार का बनता है और 14 के अंदर 15 मिलाए तब एन प्रकार का बनता है, लेकिन यहां तो हमने 13 और 15 को मिलाया, 14 तक इसमें कोई रोल ही नहीं है, तो इसलिए इनको उसके साथ मिक्स मत कर देना। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है, ये तो अब बाद में खोजे गए। क्लियर बच्चों? चलिए अब दो चार बात, दो बातें और बता देता हूं, फिर बात करते हैं खत्म, कि जो संक्रमण धातुओं के जो ऑक्साइड है उनके चालक विद्युतीय गुण में बहुत अंतर होता है। कई अलग अलग संक्रमण धातुओं के अलग अलग ऑक्साइड अलग अलग तरीके के गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपके पास टाइटेनियम ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड है, या आपके पास ReO3 प्रकार का ऑक्साइड है। ये जो ऑक्साइड है ना, ये हैं तो धातुओं के ऑक्साइड, लेकिन धातुओं की तरह ही व्यवहार करते हैं, धातुओं के समान ही व्यवहार करते हैं। ये कोई आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, बस ये धातुओं के समान व्यवहार करते हैं ये जो ऑक्साइड होते हैं। और ये जो ReO3 है ना, ये तो बिल्कुल चालकता में और देखने में, चालकता में व देखने में कॉपर की तरह प्रतीत होता है, कॉपर की तरह प्रतीत होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कॉपर की तरह कौन सा ऑक्साइड प्रतीत होता है, भाई ReO3 कॉपर की तरह देखने में भी और चालकता में भी बिल्कुल कॉपर की तरह ही होता है। वैसे तो ये सारे धातुओं की तरह ही होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही कॉपर की तरह ही होता है, Cu की तरह होता है। ठीक है, और बाकी जो कुछ ऑक्साइड है जैसे VIO है, VIO2 है, VIO3 है, ठीक है, तो ये जो है, ये जो ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड इनके विद्युतीय गुण जो है, इनके विद्युतीय गुण जो है वो ताप पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? ताप पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बस ध्यान रखना है। TiO3 भी इसके अंदर एग्जांपल है, TiO3, बस बच्चों। ठीक है, ये अगर इसमें से सिर्फ ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखो और कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस लाइन दे रखी थी तो मैंने बता दी। क्लियर, तो इस प्रकार से ये विद्युतीय गुण का टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। मैंने इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे मैंने आपसे पूछे, ठीक है, क्योंकि सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मतलब आप बता सकते हैं अगर आपने क्लास अच्छे से देखी है तो।
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, खूब लंबी क्लास है लेकिन जरूरी है, क्या करें, एक ये एक एपिसोड में ये टॉपिक पूरा खत्म करना था। ठीक है, तो अगले एपिसोड में अपने पढ़ेंगे चुंबकीय गुण, और आज सेकंड लास्ट टॉपिक था, और आज इसके बाद एक क्लास और फिर ये लेसन हो जाएगा कंप्लीट नहीं, फुल कंप्लीट। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें, गुड लक, गुड बाय।